ओम साई राम। इतिहास की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को इतिहास में मिडिवल हिस्ट्री के एक नए चैप्टर से जुड़ना है जो अब आपके सामने है लोदी वंश के रूप में। आप सभी ने अभी पिछली क्लास में सैयदों को समझा था और तुगलकों के उत्तराधिकारियों को समझा था। अब आपके सामने एक नया टॉपिक है जिसको आपको समझना है और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी टॉपिक भी है, तो इसको हम उसी तरह से समझेंगे। हेडिंग डाल लेंगे लोदी वंश। कई सारी बुकों में इसका नाम लोदी की जगह पर लोधी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लोदी और लोधी एक ही चीज है। इनका वास्तविक स्वरूप लोदी ही है क्योंकि ये एक जनजाति होती थी जो अफगान जनजाति के नाम से जानी जाती थी। तो अगर पूछा जाए लोदी वंश कौन सा है तो याद रखेंगे अफगान वंश है। दिल्ली सल्तनत पर पहली बार किसी अफगान वंश की स्थापना हुई थी। अभी तक सिर्फ तुर्क ही राज कर रहे थे, ये पहली बार अफगानिस्तान से आने वाले लोग अब अफगान शक्ति के रूप में स्थापित होंगे। ध्यान रखेंगे आपको इस अफगान वंश में या दिल्ली के लोदी वंश में तीन सुल्तानों के बारे में पढ़ना है। जैसे सैयदों के बारे में आपने पढ़ा था, वैसे ही आपको इन तीन सुल्तानों के बारे में देखना है। सैयदों में चार सुल्तान थे, इनमें तीन सुल्तान हैं। तो पहले इनका एक बार स्वरूप देख लीजिए, क्या क्या थे, कौन कौन थे ये सुल्तान। पहला इसमें आता है बहलोल लोदी, जो इस वंश की स्थापना भी करता है। बहलोल लोदी, ये जो लोदी वंश रहा, इसका शासन काल आपको ध्यान से देखना है। इसका शासन काल 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है। इस बीच में दिल्ली सल्तनत में ये राजवंश लोदी राजवंश के नाम से जाना गया। बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठता है, फिर इसके बाद में दूसरा शासक बहलोल का तीसरा पुत्र सिकंदर लोदी बैठता है। सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। इस राजवंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोदी के नाम से जो जाना जाता है वो गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी, इनके शासनकाल को अगर आपको देखना है तो जरा एक एक पे नजर मारेंगे। दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी का शासनकाल रहा 1451 से लेकर के 1489। इस बहलोल लोदी के अगर ठीक एक साल पहले चले जाएं तो आपको फिरोज तुगलक का शासनकाल मिलेगा 1351 से लेकर के 1389, यानी ठीक 100 साल बाद आपको कौन शासक मिल रहा है? बहलोल लोदी, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा कौन सा शासक मिलता है? दूसरा आपको मिलेगा सिकंदर लोदी, जो बैठता है 1489 से 1517 तक। फिर इसके बाद में इस वंश का आखिरी शासक 1517 से लेकर के 1526 तक बैठता है कौन? इब्राहिम लोदी। इस राजवंश के शासकों से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको देखने हैं। पहला प्रश्न तो आपको ये देख लेना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक बहलोल लोदी ही गद्दी पर बैठता है। तो सर्वाधिक समय तक रहा सुल्तान, इसने करीब 38 साल पूरे शासन किए। 1451 के पहले ही महीने में ये गद्दी पर आ जाता है, यानी जनवरी 1451 में बहलोल लोदी सत्ता प्राप्त करता है और 1489 तक रहता है, यानी करीब 38 साल से भी इसका ज़्यादा शासनकाल रहा। तो याद रखेंगे 38 वर्ष से ज़्यादा। जबकि आप फिरोज तुगलक का शासनकाल देखेंगे तो
तो उसका शासनकाल 38 वर्ष के करीब रहा था। पूरा आप देखेंगे एक वर्ष का दोनों में अंतर मिलेगा। इसका 38 वर्ष से ज़्यादा था, उसका 38 वर्ष से करीब था, यानी 38 वर्ष मान लेंगे, फिर भी इसका शासनकाल ज़्यादा रहा। तो बहलोल लोदी दिल्ली की सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक बैठा सुल्तान रहा, ध्यान रहेगा। इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत मिनिमम अंतर है दोनों में, बहलोल में और फिरोज में। तो याद रखेंगे, फिरोज को नहीं माना गया है, बहलोल को माना गया है। आयोग जो कहेगा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी प्रश्न कहता है वो अपने आप में ब्रह्म होता है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में सिकंदर के बारे में समझना है, इब्राहिम के बारे में समझना है, पहला आपको बहलोल लोदी के बारे में ही समझना है, ध्यान रखेंगे। समस्या ये थी कि जब लोदी वंश की स्थापना हुई 1451 में, तो एक बहुत कमज़ोर सुल्तानों से सत्ता लेकर के आए थे, यानी सैयदों से सत्ता लेकर के आए थे। इनके पास कोई खास ऐसी चीज़ थी नहीं जिससे ये अपनी सत्ता स्थापित कर सकें, तो अब सब कुछ ये नया करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। बहलोल लोदी को जब सत्ता मिली तो इसने अफगान भाईचारे की नीति अपनाई, क्योंकि ये खुद अफगान था। इसको पता था कि अगर ये अपनों का ही सहयोग प्राप्त नहीं करेगा तो इसके लिए समस्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहलोल ने, अब हेडिंग डाल लेंगे आप, पहले सुल्तान बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को। एक एक पे अगर आप अच्छे से चर्चा कर ले गए तो याद रखेंगे, MPPCS तो छोड़िए, आपका स्टेट गवर्नर के अलावा जितने भी एग्ज़ाम है UPSC के थ्रू, उन सब में भी इतिहास आप नहीं भूलने वाले। इतना डीप UPSC की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, IAS की कक्षाओं में, जो आपको बहुत कम समय में गागर में सागर के रूप में भरना है। बहुत सारी चीज़ें मैं ओरल बता जाता हूँ, उनको आप नोट डाउन किया करिए, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, आपकी टॉपिक की पूरी रणनीति बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो बहलोल लोदी है इसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 के वर्ष तक रहता है। इसके बारे में जरा समझेंगे, इसने कमज़ोर सैयदों से सत्ता प्राप्त की थी, तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न तो यही था कि सबसे पहले अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करे। इस स्थायित्व को प्रदान करने के लिए उसने अपने ही सरदारों में क्या कहा, कहा कि मैं अफगान भाईचारे की नीति अपनाऊंगा, यानी जितने भी अफगान थे उन सबको अपना भाई कहता है, अफगान भाईचारे की नीति अपनाई। कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें सुल्तान नहीं बनना, हमें शासक नहीं बनना, हमें अपने अफगान भाइयों का मान सम्मान बढ़ाना है, और उन्हीं का ही हमें क्या बनना है, हमें उन्हीं का मसनद ए आला बनना है, मसनद ए आला बनना है। अभी आपको ध्यान रखना है, इसने एक उपाधि धारण की जिसको मसनद ए आली की उपाधि कहा गया। तो इस तरह करके इसने पहले खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, यानी जैसे खिज खान करता है सेम वैसे ही करता है। इसने खुद को पहले सुल्तान नहीं कहा, इसने खुद को मसनद ए आली कह दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसके बाद इसने इस सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए बहलोल लोदी ने एक बहलोई नाम का सिक्का चलाया, बहलोली नामक सिक्का चलाया, बहलोली नामक सिक्का चलाया इसने, और कहा कि अब साम्राज्य में आर्थिक स्थिति से रूप जब मजबूत हो जाएंगे तो हम अपने साम्राज्य को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। इसके शासनकाल में कहा जाता है कि जौनपुर को जीता गया, क्योंकि जौनपुर अभी तक एक तरह से सरकी वंश के पास चला गया था, ध्यान रखेंगे। इसी ने जौनपुर को जीता, जौनपुर को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, यानी अफगान भाईचारे की नीति के तहत उसने जौनपुर को पहली बार जीता। अफगान जो होते थे बहुत ही उद्दंड होते थे, एक तरह से अशिक्षित होते थे, इनको बहुत ही उद्दंड कहा जाता था, यानी ये अशिक्षित होते थे।
जिस कारण इनकी उद्दंडता को देख करके आगे चल करके सिकंदर को आप देखेंगे तो कैसे इनको सबक सिखाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब ये जौनपुर जीत करके आए यानी पूरब के सिराज को जीत करके आए तो वो एक शिक्षित नगर था, यानी उसको शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। तो उसी नगर में सिकंदर जैसे बड़े जो लोग थे शासक आगे बने वो पढ़ के आए थे। उसने भी कहा कि इन अफगानों को पढ़ाओ लिखाओ भाई, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो इनके अंदर कुछ शासक बनने के, कुछ अच्छे प्रशासक बनने के गुण आ जाएंगे, कम से कम जीवन तो अच्छा गुजारेंगे। तो इस तरह करके सिकंदर ने इन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ बहलोल ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, जबकि आगे चल करके बहलोल ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित कर दिया, पहले खुद को मसनद ए आला कहा, बाद में इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस तरह करके ये था वास्तव में बहलोल लोदी। आगे चल करके जब बहलोल लोदी के शासनकाल में यानी बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसका ही वंशज उत्तराधिकारी बनता है सिकंदर लोदी। ध्यान रखेंगे बहलोल लोदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक गद्दी पर यही बैठता है। सुल्तान कभी भी प्रश्न को कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से अगर देखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, आगे भी उम्मीद इसके पूछे जाने की है। तो इस तरह करके आप बहलोल लोदी को समझ गए। बहलोली नामक एक इसने सिक्का चलाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में कहा जाता है जौनपुर को जीता और जौनपुर को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था, ये भी इसका उल्लेख भी मिलता है। तो इस तरह करके बहलोल लोदी का पूरा शासनकाल आपने देख लिया। अब आते हैं इस लोदी वंश के दूसरे सुल्तान की ओर, जो वास्तव में इस वंश का सबसे महान सुल्तान हुआ। ध्यान रखेंगे बहलोल लोदी के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी के बाबा आए थे। ध्यान रखेंगे शेरशाह, अभी आप सूरवंश पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे शेरशाह सूरी के बाबा इसी समय भारत आए। इसीलिए शेरशाह सूरी को अफगान कहा जाता है। ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी भी कौन था, एक अफगान था। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह करके आपको ये समझना था। फिर आते हैं हम अपने इसी लोदी वंश के अगले सुल्तान की ओर, जिसे हम सिकंदर लोदी के बारे में कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे दूसरा सुल्तान सिकंदर लोदी। दिल्ली की सल्तनत पे सिकंदर लोदी का शासनकाल जो रहा वो ध्यान देने योग्य है कि इसने 1489 से लेकर के 1517 के बीच में राज किया। इस लोदी वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली या महान राजा सबसे शक्तिशाली शासक, तो ध्यान रखेंगे वो कौन था, वो सिकंदर लोदी ही था। इतिहास में कई सिकंदरों की चर्चा मिलती है, आप सबने देखा होगा। इतिहास में सबसे पहले सिकंदर की चर्चा मिलती है कब, जब इतिहास में आप प्राचीन भारत को देखते हैं। तो देख लीजिए जरा सिकंदर कौन कौन हुए, एक बार ये समझ लेंगे तो आपको इसको और इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में समझना होगा। इसका नाम बहलोल ने सिकंदर इसी आधार पर रखा था क्योंकि मैसेडोनिया का शासक
मैसोडोनिया मैसो डोनिया का शासक जो फिलिप था उसका एक पुत्र सिकंदर कहा गया इतिहास में, जिसने भारत पर आक्रमण किया और इसका आक्रमण जो था वो घनानंद नाम के नंद दरबार में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और ये आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 325 से 326 BC के बीच में। कोई नहीं भूला होगा इस आक्रमण को, क्योंकि इसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी की गांठ जो थी वो क्या थी, बांध ली थी, और कहा था अब मैं इसको कभी नहीं खोलूंगा जब तक घनानंद को नष्ट नहीं कर दूंगा। तो ये इतिहास में आपको पहला सिकंदर मिलता है। दूसरा सिकंदर आपको मिलता है जब आप अलाउद्दीन को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन को पढ़ते वक्त आपने क्या पढ़ा था? अलाउद्दीन ने खुद को सिकंदर ए सानी कहा है। अलाउद्दीन ने क्या कहा है? अलाउद्दीन ने कहा है कि मैं सिकंदर ए सानी हूं या दूसरा सिकंदर हूं। सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर। समझेंगे कितने पॉइंट आते हैं दूसरा सिकंदर। ये सारे वो चीजें हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं। डिस्कस इसलिए किए दे रहा हूं कि एक जगह पर आप सिकंदर्स को समझ लेंगे, फिर इसके बाद में आप तीसरे सिकंदर को जब समझेंगे तो अभी आपने समझा था किसके शासनकाल में। आपको पता है कि तुगलकों के ही शासनकाल में एक सिकंदर हुआ था फिरोज का उत्तराधिकारी, जिसका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर। अलाउद्दीन सिकंदर ये किसके समय था? ये इतिहास में तुगलकों के समय था, याद है, तुगलकों के समय। और इतिहास में अगर इसे देखना चाहते हैं तो 1394 के वर्ष में आप चले जाइए, मिल जाएगा आपको अलाउद्दीन सिकंदर। फिर इसके बाद में जब आप चौथे सिकंदर की ओर बढ़ेंगे तो आपको इस सिकंदर से रूबरू होना पड़ेगा जो लोदी वंश में है, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या है? सिकंदर लोदी। तो इस तरह करके आपको इतिहास में कई सिकंदर मिलेंगे। इसका शासनकाल देखना चाहते हैं तो आप 1489 से लेकर के 1517 के वर्ष में चले जाइए। इसने भी अपने आप को सिकंदर कहा है। तो इस तरह करके इतिहास में आपको सारे सिकंदर जो हैं वो मिल जाएंगे, ध्यान रहेगा। पहला सिकंदर जब भारत पर आक्रमण हुआ था, जो फिलिप का पुत्र था मैसेडोनिया के शासक का, और दूसरा अलाउद्दीन नाम का जो व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खुद को सिकंदर ए सानी कहा है यानी दूसरा सिकंदर कहा है। तीसरा अलाउद्दीन सिकंदर होता है तुगलकों के समय, 1394 में गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद चौथा होता है सिकंदर लोदी, जो अब आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको समझना है, जरा समझेंगे क्या है। तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा यही कहा जाता है। इसके शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने अफगान भाईचारे की नीति बदल दी। अफगान भाईचारे की नीति बदल दी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अफगान भाईचारे की नीति को किसने समाप्त कर दिया या बदल दिया? तो वो सिकंदर लोदी ही था। इसने अफगानों को शिक्षित करने का भरपूर प्रयास किया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कौन था जिसने अफगानों को शिक्षित करने का प्रयास किया? तो अफगानों को शिक्षित करने का भी प्रयास यही करता है, क्योंकि जानता है ये उद्दंड है, इनके खाने का तरीका भी सही नहीं, ना रहने का,
ये कुछ भी ऊट पटूट किया करते हैं, कहीं महिलाओं का हरण कर लाते हैं, कहीं चोरी करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से सिकंदर लोदी बहुत परेशान था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दूसरा सुल्तान सिकंदर लोदी ही कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह माना जाए तो वो सिकंदर लोदी को ही माना जाए, क्योंकि इब्राहिम में कोई भी शासक बनने के गुण नहीं थे, जिस कारण इसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सबसे अच्छा सुल्तान माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सर्वश्रेष्ठ सुल्तान। इसके बाद तो इब्राहिम गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो सिर्फ काम चलाओ सुल्तान रहता है। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ रहा, इसकी कुछ नीतियां ऐसी रहीं जिसको आप देख लीजिए। इसने पहले तो कई सारे कार्य किए। सबसे पहला कार्य इसने किया ये कि इसने भूमि मापन के लिए एक पैमाना बनाया। भूमि मापन पैमाना बनाया और उस पैमाने को नाम दिया क्या पता, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की रचना के कारण ही उसे ध्यान रखेंगे। ये गज ए सिकंदरी जो था ये 39 इंच का होता था, 39 इंच का होता था। और इसके बारे में बताया जाता है कि गजे सिकंदरी के कारण ही उसे निज़ाम खां के नाम से भी जाना गया। जब इसकी चर्चा आपको मिलेगी, यानी माप जोक की चर्चा मिलेगी, तो आपको एक नाम इसका याद आएगा कि गजे सिकंदरी के बाद निज़ाम खान इसका नाम पड़ गया था। निज़ाम खां नाम जो है वो सिकंदर लोदी का ही है। अच्छा, अब नाम पर चर्चा आई है तो इसका एक नाम और याद रखेंगे, वो क्या है, वो गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। क्या सच है ये आपको सुनना है ध्यान से। एक सुल्तान जो पढ़ा लिखा है, जिसके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई कि उसने खुद के बारे में, अपने बारे में बहुत सारे विवरण दिए, साथ ही साथ वो कविताएं भी लिखता है गुलरुखी के नाम से। ये गुलरुखी इसका नाम था या नहीं ये प्रमाणिक नहीं हो पाया, लेकिन इसकी जो कविताएं हैं वो वास्तव में इसी के शासनकाल की हैं। पता नहीं ये लिखता है कि इसी का कोई वंशज लिखता है। तो इस तरह करके इसका ये नाम पूछा भी गया है, वो किस नाम से कविताएं लिखता है, तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता। तो इस तरह करके इसका ये एक नाम जो है गुलरुखी, उसको आप याद रखेंगे। निज़ाम खान इसके बचपन का नाम भी कहा जाता है, और इसने बचपन में ही कुछ कड़िया थी, लोहे की जो कड़िया होती हैं उनके बारे में कहा जाता है, जोड़ जोड़ कर एक माप करने की लंबाई की एक चीज़ बना रखी थी। इसके बाद जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, जो वास्तव में बांस के डंडों से बनकर तैयार हुई थी, यानी ये लकड़ी का बना हुआ था। आगे चल करके शेरशाह सूरी इसी गज ए सिकंदरी को बहुत व्यापक पैमाने पर लगाता है। इसने बचपन में ही क्या किया था, छोटे छोटे छल्ले जो होते थे उंगली में पहनने वाले, उनसे एक माप करने के लिए कुछ पैमाना बनाया था, ऐसा बुक में लिखा है। और कहा गया फिर उसी के शासनकाल में जब गद्दी पर बैठता है तो भूमि मापन के लिए उसने गज ए सिकंदरी जो बांस का बनता था उसका प्रचलन किया है। तो इस तरह करके सिकंदर लोदी का ये भूमि मापन का जो पैमाना है ये आपको समझ लेना है। फिर इसके बाद में उसने गंगा घाटी पर एक तरह से कह सकते हैं आधिपत्य जमाया, यानी दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान मिला जो गंगा घाटी पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। अभी तक ये क्षेत्र तुगलकों के समय निकल चुका था, गंगा घाटी पर अधिकार किया। इस अधिकार करने के क्रम में उसने सबसे पहले बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया,
ध्यान रखेंगे बिहार को जो जीत लिया यानी उत्तर प्रदेश और बिहार को जिसने जीत लिया वही केंद्र में राज करता है यानी दिल्ली पर राज करता है, ऐसा प्राचीन समय से मानना था और वो आज भी मान्यता है। आप सभी जानते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसी तरह बिहार भी उसके पीछे ही है। तो इस तरह इन दो प्रदेशों को जीतने के बाद एक ठीक ठाक कंडीशन पहुंच जाती है यानी 125 के करीब पहुंच जाती है और जिसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से काबू में कर लिया, गंगेटिक बेल्ट को जिसने काबू में कर लिया उसकी तो बल्ले बल्ले। तो वही काम इसका था कि ये जो आपके सामने सिकंदर है इसने बिहार को जीता और गंगेटिक घाटी पर यानी गंगा घाटी पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार करने के क्रम में उसने 1504 में आगरा की स्थापना कर दी। ध्यान रखेंगे 1504 में इसने आगरा की स्थापना कर दी और इसके बाद फिर आगरा में वो बादलगढ़ का एक किला भी बनवा देता है। तो ध्यान रखेंगे अब आगे आने वाला जो प्रश्न है वो ये कि इसने आगरा की स्थापना की। वर्तमान आगरा जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने ही की। फिर इसके बाद में इसके बारे में कहा जाता है कि 1506 ईस्वी में, कई सारी बुकों में 1504 ही आपको मिलेगा लेकिन सही उत्तर 1506 है, 1506 ईस्वी में आगरा को ये राजधानी भी बना लेता है, आगरा राजधानी बना लेता है यानी इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया है। ध्यान रखेंगे अभी तक इसके ही पूर्वज रहे बहलोल लोदी ने राजधानी किसे बनाया था, जौनपुर को। उसने जौनपुर को जीता, अपनी राजधानी बनाया, इसने बिहार को जीता, आगरा की स्थापना कराई 1504 में और 1506 में अपनी राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले आया, ये ले आया आगरा। क्योंकि दिल्ली इस समय बहुत विवादित हो चुकी थी, अफगान इसके विरोध में खड़े हो गए थे क्योंकि उनको इसने दंडित करने का प्रावधान किया था। ध्यान रखेंगे अफगान भाईचारे की नीति इसने जैसे ही बदली सब के सब बहलोल के समय रहे अफगान इसके विरोध में आ गए तो इसने उनको दंडित करने का एक तरह से सिलसिला शुरू किया, बहुत ही सख्त प्रावधान अपनाया जैसे कि बलबन अपनाता है। तो कई सारे लोग इसकी तुलना यानी इतिहासकार इसकी तुलना बलबन से भी कर देते हैं। हालांकि ये एक हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था, आपको ये याद रखना है, यानी इसकी एक माता जो थी वो हिंदू थी जैसे कि आपको बताया गया, यानी इसकी माता जो थी हिंदू महिला थी, फिर इस जैसे फिरोज की थी, इस तरह आपको ये देखना था। फिर इसके बाद में जब आगरा की स्थापना कर देता है तो यही आगरा में उसने, आप सबको पता होगा बादलगढ़ का किला, तो बादलगढ़ का किला ये भी यहीं पर स्थापित कराया जाता है और ये स्थापित करने का श्रेय इस सिकंदर लोदी को ही दिया जाता है। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि उसने अनाज से, याद रखेंगे प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, अगर आपको चेक करना है तो यूपीएससी के 2015 के पेपर में जा करके आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिलेगा। ध्यान रखेंगे इसने अनाज पर जकात हटा लिया। अब ये जकात कौन सी बला है, ये आपको बताया गया था कि शरीयत में कुल 4 करों का उल्लेख है, बताया गया था। ये जकात क्या है जरा समझ लीजिए, आपको बताया गया था कि इस्लाम में यानी शरीयत में उल्लेखित कर, शरीयत में उल्लेखित कर जो है उनकी संख्या 4 है। तो यहां बताया गया कि शरीयत में उल्लेखित 4 कर जो है उनके आपको नाम देख लेने हैं, फिर सिकंदर के बारे में समझेंगे। कहा गया कि शरीयत में जजिया नाम का कर है जो आपको बताया गया था मूर्ति पूजकों से लिया जाता है, दूसरा था जकात, ये आपको दिख रहा होगा, इसी कर की चर्चा आपको करनी,
फिर इसके बाद में खुम्स आपको पता है, लूट का धन होता था। तीसरा खराज या खिराज नाम से जाना जाने वाला ये कर, ये भूमि कर होता था और इसी को उस्र या उस्री के रूप में लिया जाता था, यह आपको पता था। अब जरा जकात क्या था ये समझ लीजिए। जकात को मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये धनी मुस्लिमों से लिया जाता था, धनी मुस्लिमों से लिया जाता था। और कहा जाता था उनसे उनकी आय का 1/40 हिस्सा यानी 2.5% ये वसूला जाएगा, ध्यान रहेगा। तो 2.5% वसूला जाएगा। अब ये 2.5% जो वसूलेगा उसको कहा गया कि ये जकात जो कर है ये धनी मुस्लिमों से वसूला जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने जो धनी मुस्लिम थे उनसे अनाज पर जकात जो लगता था वो हटा दिया। यानी अब मुस्लिम लोग जो हैं अनाज पर कर नहीं देंगे, अनाज पर कर नहीं देंगे, यानी इसने भी एक भेदभावपूर्ण नीति अपनानी शुरू कर दी, यहीं से अपनानी शुरू कर दी। फिर इसके बाद क्या था, इसने ज्वाला देवी मंदिर को भी नष्ट कर दिया। ध्यान रखने वाली बात है कि इसने क्या किया, इसने ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट कर दिया। जैसा कि आपको बताया गया था फिरोज तुगलक ने इसे नष्ट किया, तो वहाँ के कुछ साधुओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया। हिमाचल प्रदेश का ये मंदिर आप सबको पता है, ये हिमाचल प्रदेश में है और कांगड़ा नामक जगह पर है। इस मंदिर को सिकंदर ने नष्ट कर दिया। एक प्रश्न तो ये बन गया, सिकंदर ने नष्ट कर दिया, तो इस तरह करके सिकंदर ने ज्वाला देवी नाम का ये प्रसिद्ध मंदिर, जो वास्तव में फिरोज के बाद वहाँ के पुजारियों ने निर्मित कराया था, वो अब नष्ट हो चुका था। फिर क्या था, फिर इसने धनी मुस्लिमों को बहुत सारा एक तरह से छूट दे दी, अनाज से जकात हटा करके। इसने निर्धनों को मुफ्त में भोजन भी कराया है, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। जैसा कि बताया ही गया था कि फिरोज भी जो मुस्लिम होते थे गरीब, उनके लिए दीवान एक खैरात नाम का विभाग बनवाया था। इसकी तुलना फिरोज से करते हुए जरा बढ़ेंगे तो इसने और एक काम क्या किया, इसने मुफ्त में भोजन कराया है। मुफ्त में भोजन कराने वाला मुक्त में भोजन कराने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके बारे में और कई सारी चीज़ें कही गई, जैसे कि कहा गया कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान रहे उन सब ने बुधवार को न्याय किया है, यानी दिल्ली सल्तनत के सब सुल्तान जो थे वो बुधवार को न्याय करते थे। इल्तुतमिश भी बुधवार को न्याय करता है और इल्तुत के बारे में तो कहा जाता है क्या कि उसने न्याय के लिए घंटियां भी लगवा रखी थी। ये भी एक अनूठा उदाहरण है, पहला तो वो बुधवार को न्याय करता है, बुधवार को ज़्यादा सभी सुल्तान न्याय करते हैं, बुधवार को न्याय। और ये दूसरा क्या करता है इल्तुतमिश कि घंटियां लगवा देता है, कहता है अब कोई भी दरबार की घंटी बजा देगा जो मेन डोर पर लगी है, यानी दिल्ली में मेन डोर पर घंटी लगी उसको बजा देगा। ये घंटी सीधे राजमहल के उस दरवाजे पर लगी है जो राजमहल का कहा जाता था परिसर है, यानी परिसर में बसती थी, सुल्तान सीधे सुन लेता था और तुरंत न्याय दिलाया करता था। लेकिन इसने क्या किया, इसने नियम बनाया कि वो 24 घंटे न्याय प्रदान करेगा, किसी भी घंटे कोई भी आकर के न्याय 24 घंटे न्याय देने वाला। तो इस तरह करके इसने एक अच्छा मैसेज तो दिया, लेकिन जो मैसेज उसने ज्वाला देवी मंदिर तोड़कर दिया वो उसकी उदारता का मैसेज नहीं था,
जिस कारण उसको हम दिल्ली सल्तनत का एक कट्टर शासक ही कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का उसने फहरेंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। चिकित्सा शास्त्र का उसने फहरंग ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। इसी तरह उसने आगे चल करके जो कह सकते हैं हमारा संगीत शास्त्र है उसको लज्जत ए सिकंदरी के नाम से अनुवादित कराया। यानी जो हमारा संगीत शास्त्र है यानी हमारा जो सामवेद है उससे निकलने वाली जो संगीत की चीज़ें उसको संगीत शास्त्र कहा गया और संगीत शास्त्र को उसने फहरंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया है। इसके पहले उसने कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र को उसने अनुवादित कराया है। ध्यान रखेंगे पहले चिकित्सा को देख लेंगे जिसे फहरंग के नाम से अनुवादित कराया, फिर लज्जत सिकंदरी को देखेंगे जो संगीत के नाम से अनुवादित है। ध्यान रखेंगे तो इसका अगला कार्य क्या है कि जो चिकित्सा शास्त्र है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं ये चरक संहिता के द्वारा रचा गया। चिकित्सा शास्त्र यानी हमारे जो महान वैद्य रहे चरक उनका जो ग्रंथ रहा चरक संहिता उसके बारे में वर्णन करता है ये चिकित्सा शास्त्र। और कहा गया इसका जो इसने अनुवाद कराया वो फहरंग ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। यानी बड़ा ही बुद्धिमान शासक निकला, उसने भारत की अच्छाइयों को देखते हुए ये सब कराया। अभी तक ये सब कोई नहीं कर रहा था, आप सबको पता है सैयदों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, तुगलकों ने भी इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था। फिर इसके बाद में कहा जाता है अगला पॉइंट, कहा जाता है इसने संगीत शास्त्र जो था उसका लज्जत ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया है। कॉन्सेप्ट पूरा पकड़िएगा, दो ऐसे आपको शास्त्र मिलेंगे जिनका ये अनुवाद कराता है किस नाम से। ध्यान रखेंगे ये लज्जत ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराता है। ध्यान रहेगा लज्जत ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराता है। तो इस तरह करके उसने एक अच्छा काम भी किया कि भारतीयों को समझना है तो पहले उनके लिखे हुए ग्रंथों को समझिए, उनकी चीज़ों को समझेंगे तो हम एक अच्छे शासक और बन सकते हैं। इसी क्रम में उसने चिकित्सा शास्त्र का फहरंगे सिकंदरी और संगीत शास्त्र का उसने क्या किया लज्जत सिकंदरी नाम से अनुवाद करा दिया। इसके बाद कहा जाता है कि उसने कई सारे ऐसे कार्य किए जिससे उसकी प्रतिष्ठा जो थी जो ये सब करके गया वो धूमिल हो गई। जिनमें पहला तो कारण था कि उसका कबीरदास से झगड़ा हो गया। कबीरदास जो बहुत ही महान भारत के कवि कहे गए उनसे इसका विवाद था। तो प्रश्न पूछा गया कबीर से किसका विवाद था, तो कबीरदास से विवाद इसका हुआ। कबीरदास से जब इसका विवाद हुआ तो इसने कबीरदास को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इतिहास में एक साफ साफ लिखा है कबीरदास से जब इसका झगड़ा होता है तो सिकंदर इतना गुस्से में आ जाता है कि कहता है कबीर को तुरंत मृत्युदंड दो, लेकिन कुछ दिल्ली के ही मतलब शिक्षित लोगों ने सलाह दी कि कबीर बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही इनकी कविताएं अच्छी हैं, इनके दोहे इतने अच्छे हैं कि तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, अगर तुमने इनको मृत्युदंड दिया तो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। तो याद रखेंगे इसने कबीर को फिर क्षमादान दिया था। ध्यान रखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है किसका कबीर के साथ विवाद था, तो सिकंदर का ही विवाद था। जैसे निजामुद्दीन औलिया का विवाद किससे था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ था। तो ध्यान रखना है इसका विवाद किससे है, इसका विवाद कबीरदास से। फिर इसके बाद में ये भी कुछ कट्टर काम करता है जैसे फिरोज ने किए, इसने भी मजार पर जाने से रोक लगा दी। मजार पर जाने से रोक, जैसे फिरोज कहता है कि कोई भी अब हिंदू मस्जिद नहीं जा सकता, कोई भी हिंदू अब मस्जिद नहीं जा सकता, वैसे ही फिरोज कहता है अब कोई भी हिंदू मजार नहीं जा सकता। यानी मजार पर जाने से रोक, और किसके लिए, हिंदुओं के लिए। यानी हिंदू अब मजार पर नहीं जा सकते। इसके बाद इसने कुछ और कार्य किए हैं, उनके कार्यों के बारे में जरा समझ लीजिए। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसका अष्टकोणी मकबरा बना है। ध्यान रखेंगे पहला सुल्तान
जिसका अष्टकोणी मकबरा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसका मकबरा अष्टकोणी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो फिरोज का वजीर रहा था उसके बारे में कहा जाता है कि उसका मकबरा पहला अष्टकोणी मकबरा है। लेकिन अगर पूछा जाए सुल्तान का तो सुल्तान में आप सिकंदर लोदी को ही लगाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए अष्टकोणी मकबरा तो इतिहास में आठ कोण या आठ खंभों का मकबरा इसे कहा जाता है, आठ खंभों का। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए पहला अष्टकोणी मकबरा, पहला अष्टकोणी मकबरा, तो पहला अष्टकोणी मकबरा फिरोज के वजीर का है, फिरोज के वजीर खाने जहां तेलंगानी इनका नाम था। ध्यान रखेंगे खाने जहां तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी जो फिरोज के वजीर थे उनका मकबरा पहला अष्टकोणी मकबरा कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा जाए पहला अष्टकोणी मकबरा तो फिरोज के वजीर का, अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान जिसका मकबरा अष्टकोणी है तो सुल्तान में हमेशा आप सिकंदर लोदी को ही लगाएंगे। इसका मकबरा आठ खंभों का मकबरा है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आपको सिकंदर लोदी के बारे में सब कुछ समझना था। सिकंदर लोदी की जितनी भी घटनाएं समझनी थी वो आप सब समझ चुके हैं। अब अगला आपके सामने जो सुल्तान आएगा वो आएगा कौन, वो आएगा इब्राहिम लोदी, यानी इस वंश का आखिरी शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो आप आगे हेडिंग डाल लेंगे इब्राहिम लोदी। ये जिस डाल पर बैठा था उस डाल को काटने वाला एक पागल व्यक्ति कहा जाता है। इसको भी आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है। तो इस शासन क्षेत्र के बीच में इसने जो भी काम किए हैं उनको आपको देखना है। इसने कार्य तो कोई नहीं किया, इसने सिर्फ इतना किया कि इसने अफगानों में गृह युद्ध करा दिया। समस्या ये थी कि जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई तो उसके दो पुत्र इब्राहिम और जलाल लोदी, ध्यान रखेंगे सिकंदर के दो पुत्र इब्राहिम और जलाल नाम का एक इसका भाई था जलाल खान लोदी, इन दोनों में सत्ता बांट दी गई। जो अफगान थे उन्होंने सोचा गृह युद्ध ना हो, इन दोनों में ही झगड़ा ना हो जाए, इस कारण सत्ता बांट दी गई। इब्राहिम को दिल्ली का क्षेत्र दिया गया, कहा तुम भाई दिल्ली को देखो, और इसको बताया गया जलाल को कि तुम अब आगरा से अपना काम चला लेना। इस तरह करके दोनों को साम्राज्य का बंटवारा करा दिया गया। लेकिन कुछ समय तक तो दोनों में सब शांति से रहा, लेकिन अफगान इस नीति ने यानी इस बंटवारे की नीति ने ज़्यादा दिनों तक ये सत्ता संभाल कर नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि कुछ ही वर्षों बाद जब 1524 का वर्ष आता है तो इन दोनों अफगान नेताओं के बीच में युद्ध होने की स्थिति आ जाती है, यानी इस क्षेत्र के अफगान और उस क्षेत्र के अफगानों में एक गृह युद्ध होता है। और इस गृह युद्ध में, अफगान गृह युद्ध में करीब 10,000 अफगान मारे गए, 10,000 अफगान मारे गए। जब ये 10,000 अफगान मारे गए तो अब इसमें गलती पाई गई इब्राहिम लोदी की। कहा गया कि तुमने ही ये गृह युद्ध बढ़ावा दिया है और तुमने ही गृह युद्ध को करवाया है। तो इसी के चाचा यानी इब्राहिम
के चाचा आलम लोधी ने, आलम खान ने, इसी के चाचा आलम खान लोधी ने और इब्राहिम का भाई, इसका खुद का भाई जिसका नाम दौलत खान था, दौलत खान था, ये दोनों अब इस इब्राहिम के हो गए विरोधी। इन्होंने कहा तुम ही ने ये सब कराया है और तुम्हारी रणनीति हम अच्छे से समझते हैं। तुम चाहते हो सबके सब अफगान जो अमीर हैं वो मारे जाएं और फिर क्या होगा, फिर तुम दिल्ली सल्तनत के एक छत्र राज पर बैठोगे और तुम्हें लग रहा है ऐसा कर पाओगे तुम। तो ऐसा ना करने के कारण ही ये दोनों चले गए, दौलत खान और आलम खान, किसके पास, बाबर के पास। बाबर दूर बैठ करके ये सब नज़ारा देख रहा था, उसको तो मौका ही चाहिए था कि कैसे इब्राहिम के ऊपर आक्रमण किया जाए। जब इन दोनों ने बताया कि तुम इस समय आक्रमण करो सबसे सुनहरा अवसर है, तो बाबर 1526 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे बाबर 1526 ईस्वी में इस इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करता है और वो घटना आ ही जाती है जिसके बारे में कहा जाता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता पूर्व से तुलगमा रणनीति का प्रयोग करते हुए कैसे इसको पराजित कर दिया वो आप अब देखेंगे। ध्यान से देखना, ये पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ वो वर्ष 1526 में हुआ और इस युद्ध में एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी। बाबर का सेनापति जो तोपची था वो उस्ताद खान था, जिसके बारे में कहा जाता है उसका निशाना बहुत ही सटीक लगता था। इब्राहिम और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, इसी युद्ध के दौरान ही बाबर मारा गया, सॉरी इब्राहिम मारा गया और बाबर ने जब इसकी हत्या कर दी 1526 में, तो यही वो क्षण था जब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो बाबर ने आगे चल करके मुगल वंश की स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी और वो होती कब है, 1526 में। तो ये था वास्तव में दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। अगर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन है तो लोधी वंश बताएंगे, अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान तो आप इब्राहिम लोधी को ही बताएंगे। ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, और ये वो अंतिम सुल्तान था जिसकी युद्ध के मैदान में हत्या हुई, युद्ध मैदान में हत्या। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आप आराम शाह को ही बताएंगे क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ध्यान रखेंगे पहला सुल्तान तो ऐबक का पुत्र जिसने ये उपाधि धारण की थी, ऐबक का पुत्र आराम शाह जो गद्दी पर 1210 ईस्वी में बैठता है, आप सबको इसके बारे में पता है। और जड की लड़ाई में, आप सबको पता है जड की लड़ाई में इल्तुतमिश द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती, याद है जड की लड़ाई में, याद रखना जड की लड़ाई में, जड की लड़ाई जो 1210 ईस्वी में हुई थी और इसमें आराम शाह मारा गया था, आराम शाह
मारा गया। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध में मारा गया और इसका अंतिम सुल्तान वो भी युद्ध में मारा गया। तो इस तरह करके ये दिल्ली सल्तनत का एक दुखद पहलू था कि इसका पहला राजा भी यानी पहला सुल्तान भी मारा गया। ऐबक खुद को मलिक कहता है, सिपह सालार कहता है, हातिम द्वितीय कहता है, पील बख्श कहता है, लाख बख्श कहता है, कुरान खां कहता है, यानी 6 उपाधियां धारण करता है ऐबक, लेकिन खुद को सुल्तान नहीं कहता है वो। ध्यान रखना, सुल्तान कहने वाला आरामशाही था। पहली बार सुल्तान की उपाधि किसी शासक ने धारण की तो वो कौन था? आरामशाह। अगर पूछा जाए पहली बार किसने सुल्तान का पद धारण किया तो वो गजनवी को टिक करिएगा, क्योंकि गजनवी को पहली बार सुल्तान की पदवी मिली थी। लेकिन अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसने सुल्तान की पदवी धारण की तो ये आरामशाही था। इसके बाद फिर क्या था? इसकी मृत्यु हो गई और इसी तरह इब्राहिम लोदी की भी पानीपत की पहली लड़ाई में हत्या हो जाती। तो इस तरह कह के आपको एक तरह से अब मुगल वंश को पढ़ना है। ध्यान रखेंगे इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो इस तरह पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया। अब हम अगली क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुशी रहें, अच्छे से रहें और सभी लोग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं। पहले तो आपको ये 11 अप्रैल का देना है, फिर इसके बाद सितंबर में भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आपके पास बोनंजा ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। तो ज़बरदस्त तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका बहुत दूर नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे। तो इतना आज के लिए रखते हैं, अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।